जी, आज हम अपना सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल के लेक्चर में हमने डिमांड की डेफिनेशन पढ़ी और फिर उसके बाद उसके कुछ डिटर्मिनेंट्स हमने पढ़े। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स कंप्लीट नहीं हो सके थे, लेकिन कल के लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन है? चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज मैं कल के लेक्चर की एक क्विक रिवीजन भी कर देता हूँ, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे, डिटरमिनेंट सीखेंगे। कंसेप्ट हम क्या सीख रहे थे कल के लेक्चर में? हमने ये सीखा कि इकोनॉमिक्स में चार मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं, बायर, सेलर, गवर्नमेंट और फॉरेन ट्रेडर्स। उसमें बायर और सेलर की स्टडी करने को माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है और गवर्नमेंट और इंटरनेशनल ट्रेडर्स के बिहेवियर को स्टडी करने को हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। पहले हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट किया। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारे पास ऑप्शन थी, पहले बायर का डिसीजन एनालिसिस करें या सेलर का। हमने डिसाइड किया पहले बायर का डिसीजन एनालिसिस करते हैं। तो बायर कौन बंदा होता है? जो कि मार्केट में जाके चीज़ों को बाय करता है। जब वो मार्केट में जाके कहता है ये कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मैं ये चीज़ खरीदना चाहता हूँ, तो हम कहते हैं मार्केट में डिमांड क्रिएट हुई। ठीक है, और डिमांड किसी भी मार्केट में डिमांड कभी कांस्टेंट नहीं होती, फ्लक्चुएट करती रहती है। किसी दिन डिमांड कम है, किसी दिन डिमांड ज़्यादा है। हमने एज इकोनॉमिस्ट ये डिसाइड किया था कि हमें पता होना चाहिए कि किसी भी मार्केट में अगर डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज होती है, उसके पीछे फैक्टर्स कौन से हैं, क्या रीजंस हैं। आम लोगों को तो शायद नहीं पता हो कि जी कल इस दुकान से गुजरे, सामने से गुजरे थे तो ये खाली पड़ी थी, आज इसी दुकान के सामने से गुजरे हैं तो रश लगा हुआ है। आम लोगों को शायद ना पता हो, लेकिन एज इकोनॉमिस्ट हमने इन चीज़ों का एनालिसिस करना होता है कि क्या रीजंस होती हैं कि किसी वक्त में लोगों की डिमांड कम होती है, किसी वक्त में ज़्यादा। तो हमने ये सीखा कि डिमांड के कुछ डिटर्मिनेंट्स हैं, फैक्टर्स हैं, रीजंस हैं कुछ, जिनकी वजह से डिमांड कम या ज़्यादा हो सकती है। वन बाय वन हम उन रीजंस को पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। कल के लेक्चर में हमने जो रीजंस कवर कर ली थी डिटेल में, वो थे प्राइमरी डिटर्मिनेंट, यानी प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। के ये प्राइमरी डिटर्मिनेंट होता है, जिस चीज़ का हम एनालिसिस कर रहे हैं, जिसकी डिमांड का एनालिसिस कर रहे हैं, उसमें सबसे अहम फैक्टर उस चीज़ की प्राइस का है। अगर उस चीज़ की प्राइस इंक्रीज होगी तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाएगी, और अगर इस प्रोडक्ट की प्राइस डिक्रीज होगी, इसकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगी। ये क्लियर है? नेक्स्ट हमने इनकम ऑफ द कंज्यूमर की बात की। हमने कहा कंज्यूमर की इनकम चेंज होने से भी डिमांड पे फर्क पड़ता है। अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो जाए, नॉर्मल गुड्स की डिमांड क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। अगर इनकम डिक्रीज हो जाए, नॉर्मल गुड की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन हमने इसके साथ एक कंसर्न पढ़ा था इन्फीरियर गुड का। इन्फीरियर गुड क्या थे? वैसे गुड्स जे के जिनके जो नॉर्मली लो क्वालिटी की होते हैं। ठीक है, इन्फीरियर गुड के केस में अगर इनकम बढ़ती है तो लोग इन्फीरियर गुड्स की डिमांड को कम कर देते हैं, और अगर इनकम कम होती है तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड को बढ़ा देते हैं, ज़्यादा कर देते हैं। ये था हमारा कंसेप्ट इनकम ऑफ कंज्यूमर। नेक्स्ट, प्राइस ऑफ कंप्लीमेंट गुड। ये डिटर्मिनेंट समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कंप्लीमेंट गुड कहते हैं किसको है। कंप्लीमेंट गुड ऐसे गुड्स को कहते हैं जो हमारी मेन गुड्स के साथ कंज्यूम होती हैं। अगर दो गुड्स कंप्लीमेंट गुड्स हैं तो याद रखिए दोनों इकट्ठे इंक्रीज होंगी डिमांड उनकी या इकट्ठे डिक्रीज होगी। कंप्लीमेंट गुड की एग्जांपल में हमने कौन सी एग्जांपल डिस्कस किए थे? कार एंड पेट्रोल, बैट एंड बॉल, टूथब्रश एंड टूथपेस्ट। एक ही डिमांड बढ़ती है तो दूसरे की भी बढ़ती है, एक ही डिमांड कम होती है दूसरे की भी कम होती है। डिटर्मिनेंट के वाले से अब सुनिए, अगर कंप्लीमेंट गुड की प्राइस, कंप्लीमेंट गुड की प्राइस, मेन गुड की बात नहीं कर रहा, कंप्लीमेंट गुड की प्राइस बढ़ जाए तो उसकी अपनी डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा, और हमारी मेन गुड जिसका एनालिसिस कर रहे हैं इसकी डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा? कम हो जाए, क्योंकि कंप्लीमेंट गुड है, इकट्ठे मूव करना है ना। और अगर कंप्लीमेंट की प्राइस डिक्रीज हो जाए, कंप्लीमेंट की अपनी डिमांड क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी, और हमारी मेन गुड जो है जिसका एनालिसिस कर रहे हैं इसकी डिमांड भी
क्योंकि दोनों ने इकट्ठे मूव करना है, कंप्लीमेंट का रूल ही होता है, दोनों की क्वांटिटी इकट्ठे इंक्रीज डिक्रीज होती है। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड का। अच्छा, इस फैक्टर को भी पढ़ने से पहले हमें सब्स्टिट्यूट गुड समझना पड़ेगा क्या होती है। सब्स्टिट्यूट गुड कंप्लीमेंट गुड्स का अपोजिट है। कंप्लीमेंट गुड्स वो होती हैं जो इकट्ठे कंज्यूम होती है, इकट्ठे इस्तेमाल होते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड वो है जो कि इकट्ठे इस्तेमाल नहीं होते। अगर आप एक को इस्तेमाल करेंगे तो दूसरे की जरूरत ही नहीं है, दूसरे को इस्तेमाल नहीं करते। ये वो गुड्स होती हैं जो सेम नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, जिनका पर्पस सेम होता है, इन्हें कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड। जैसे कोक और पेप्सी, क्लासिक एग्जाम्पल। आप अगर पेप्सी पी लेते हैं तो फिर कोक की जरूरत नहीं है, कोक पीते हैं पेप्सी की जरूरत नहीं है। सब्स्टिट्यूट गुड में याद रखिए डिमांड अपोजिट मूव करती है, यानी अगर आप एक चीज को कंज्यूम कर रहे हैं तो इसका मतलब है दूसरी को नहीं कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूट गुड का रूल क्या है? अगर सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस इंक्रीज हो जाए, हमारी मेन गुड की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा, ये सुन लीजिए। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड इंक्रीज हो गई, उसकी अपनी डिमांड क्या होगी और हमारी मेन गुड की डिमांड बढ़ जाए, क्योंकि सब्स्टिट्यूट में अपोजिट मूव करना। और अगर जो सब्स्टिट्यूट गुड है उसकी प्राइस कम हो जाए, उसकी डिमांड क्या होगी और हमारी मेन गुड की। ये कंसेप्ट समझ आता है, कंप्लीमेंट गुड सब्स्टिट्यूट गुड। चलिए नेक्स्ट, पॉपुलेशन नंबर ऑफ बायर्स। सिंपल, अगर आपकी पॉपुलेशन या नंबर ऑफ बायर्स ज्यादा होंगे, इंक्रीज करेंगे, आपकी डिमांड क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस एंड शॉर्टेज, ये नया कंसेप्ट है, यहां से स्टार्ट करने जा रहे हैं। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस एंड आपको अगर पता चले कल से पेट्रोल जो है वो 200 रुपए लीटर होने वाला है, आज आप क्या करेंगे? कल नहीं पूछ रहा कि कल क्या करेंगे, आज क्या करेंगे? आप पहुंच जाएंगे पेट्रोल पंप पे, हाँ टैंकी फुल करवाओ, जितने दिन स्कूल से गुजरते हैं वो तो गुजरे। इसका मतलब ये है कि अगर फ्यूचर में हमारी एक्सपेक्टेशन है प्राइस बढ़ेगी, हमारी करंट डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। याद रखे ये हमारे इस कंसेप्ट के अगेंस्ट नहीं जा रहा, ठीक है। अगर कल को प्राइस 200 रुपए होनी है तो कल की डिमांड कम होगी, वो ये कंसेप्ट है। कल को प्राइस 200 रुपए लीटर होनी है, आज डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा, ये कंसेप्ट है। अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर में प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी, करंट डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा, इंक्रीज हो जाएगी। अगर फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन हो कि प्राइसेस रिड्यूस हो जाएंगे, करंट डिमांड में क्या फर्क पड़ेगा, कम हो जाएगी। अगर पता चले जी कल को पेट्रोल जो है 50 रुपए लीटर होने वाला है, हम कहेंगे यार पहले इरादा था आज पेट्रोल भरवाना है, लेकिन अब आज नहीं भरवा, कल ही भरवाएंगे कम रेट पे, तो आज कल हो जाएगी। इसी तरह अगर हमें पता चले फ्यूचर में शॉर्टेज होने वाली है किसी चीज की, आपको याद है वो सीएनजी के जब 3-4 दिन हुआ करते थे कि 4 दिन सीएनजी मिलेगी, तो अगर पीर को सीएनजी नहीं मिलने तो इतवार को क्या हाल होता था, लाइनें लग जाती थी कि नहीं। तो अगर फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में शॉर्टेज होगी, एक्सपेक्टेशन है शॉर्टेज होगी, तो बताइए आज की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा, बढ़ जाएगी। क्लियर होती है ये बात? टेस्ट और प्रेफरेंस। कहते हैं सम टाइम लोगों का टेस्ट या प्रेफरेंस जो है वो चेंज हो जाती है। क्यों चेंज हो जाती है? कुछ स्पेशल ओकेजंस की वजह से चेंज हो जाती है, ठीक है, वेदर कंडीशंस की वजह से चेंज हो जाती है, ठीक है। जैसे आप देखते हैं कि नॉर्मली पूरा साल में हम पाकिस्तानी अवाम नॉर्मली खजूरें इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जैसे ही रमज़ान आता है उसकी डिमांड बढ़ जाती है। ये किस वजह है? क्योंकि हमारी प्रेफरेंस ये होती है कि हमने इफ्तारी करनी है तो खजूर के साथ करनी है, हमारी प्रेफरेंस ऐसी है।
इसी तरह नॉर्मली आप देखें तो वो जो समोसे वाले हैं उनकी दुकान पे इक्का दुक्का लोग जो है वो खरीदारी करने के लिए आएंगे, लेकिन जैसे ही मौसम बदला और हल्की हल्की बारिश होना शुरू हो गई, देखो उधर रश लग जाता है, क्योंकि लोगों का टेस्ट या प्रेफरेंस चेंज हो जाते हैं। वो कहते हैं नहीं, अब जो है ना, अब इस मौसम में समोसा खाने का सही मजा आएगा, तो उनका टेस्ट प्रेफरेंस चेंज हो, तो लोगों का टेस्ट या प्रेफरेंस किसी स्पेशल ओकेजन की वजह से, वेदर कंडीशंस की वजह से, ठीक है, चेंज हो जाते हैं टेस्ट या प्रेफरेंस। तो हमें पता होना चाहिए, मैकडोनल्ड वाले गए इंडिया बीफ बर्गर खिलाने, उनको पता चला पूरी दुनिया में कामयाब हो गया, इंडिया में बुरी तरह फ्लॉप हो गया बीफ बर्गर। क्यों भला? बीफ को इस्तेमाल ही नहीं करते, टेस्ट या प्रेफरेंस उन्होंने एनालिसिस ही नहीं किया डिमांड के डिटरमिनेंट्स का, कि भाई इस फैक्टर की वजह से लीजिए वो बीफ बर्गर इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर उन्होंने चेंज किया उसको, फिर वो आलू महाराज निकाला और फिर वो जो है उन्होंने सेल किया। तो बहरहाल हमें अंदाज़ा होना चाहिए कि किस जगह पे किस चीज़ की डिमांड में कितने फैक्टर है। देखिए कि छोटा मोटा फेलियर नहीं था, ठीक है, इसीलिए आपको सिखा रहे हैं कि बिजनेस प्लेस पे जाने से पहले आपको इन चीज़ों का अंदाज़ा होना चाहिए प्रैक्टिकल लाइफ में। एडवर्टीजमेंट, क्या एडवर्टीजमेंट से डिमांड में कोई फर्क पड़ता है? हाँ बिल्कुल पड़ता है। अवेयरनेस ना भी हो फिर भी अच्छी एडवर्टीजमेंट सक्सेसफुल होना, इंक्रीज हो जाती है डिमांड। वो नहीं, वो पिछले शुरुआत है कोका कोला पिला दे, ठीक है, कितना मशहूर हो, उसके बाद आपके ख्याल में क्या कोका कोला की डिमांड नहीं बढ़ी होगी? बिल्कुल बढ़ी होगी, ठीक है। तो ये अगर अच्छी एडवर्टीजमेंट हो, सक्सेसफुल एडवर्टीजमेंट हो, तो इससे डिमांड पे क्या फर्क पड़ता है? इंक्रीज हो जाती है। फिर इसी तरह बाजुकात नेगेटिव एडवर्टीजमेंट भी होते हैं। अखबार में आर्टिकल छप जाए जी कोक और पेप्सी पीने से मैदे का कैंसर हो सकता है, अगर ये आर्टिकल छप जाए अखबार में, आप बताइए क्या उनकी डिमांड पे कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा, डिमांड डाउन, ठीक है, वो जो है ये एडवर्टीजमेंट ही है। तो फिर इसके बाद नाइन्थ नेक्स्ट एलिमेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज। एक दुकान पे लिखा है नक्त बड़े शौक से उधार अगले चौक से, दूसरी दुकान पे लिखा है उधार की सहूलत मौजूद है, किसकी चीजें ज्यादा सेल होंगी? उधार की सहूलत, ठीक है। प्रैक्टिकली कॉर्पोरेट लेवल पे मोर देन 90% जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो क्रेडिट की होती हैं। तो इसीलिए अगर क्रेडिट फैसिलिटीज हैं, लोगों को मुहैया की गई हैं, तो डिमांड बढ़ेगी, वरना नहीं बढ़े। आज से 20-25 साल पहले लाहौर की सड़कों पे इतना रश नहीं होता था जितना अब होता है, ठीक है। किसी भी लाहौर के किसी भी कोने में हो, ऑफिस में छोटी घर पहुंचते पहुंचते 1 घंटा लग जाता है, ठीक है। ये किस वजह से इतना रश? आज से 20-25 साल पहले बैंक ने पहले लीज पे गाड़ियां नहीं दिया करते थे, फिर बैंक्स ने लीज पे गाड़ियां देना शुरू कर दी। अब जिन लोगों के पास, जो सैलरीड पर्सन थे, जिनके पास एक ही दफा में इतने पैसे नहीं होते थे कि गाड़ी खरीद सके, जब बैंक ने कहा जी लीज पे हमसे गाड़ी खरीदी है, महीने हर महीने किस्त देते रहिएगा, उन लोगों ने भी गाड़ियां खरीद ली। तो बताइए डिमांड बढ़ी कि कम हुई क्रेडिट फैसिलिटी की वजह? बड़ी। अब देखिए आपको हर बंदे के पास गाड़ी नजर आएगी और दूसरे बंदे के पास। तो ये अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी, अगर क्रेडिट फैसिलिटीज मौजूद हो तो डिमांड क्या होगी? बढ़ जाएगी। यहां तक चीजें समझ आती हैं? चलिए, ये हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। अब रीडिंग कर लीजिए लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 की। आपके पास 5 मिनट हैं, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 की रीडिंग कर लें।
जी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये किससे का वर्ड यूज हुआ? यूज हुआ वर्ड इनकम वेल्थ में डिफरेंस। हाँ जी देखिए, इनकम है हमारे वो जो हम मंथली बेसिस पे अर्न करते हैं, जो मंथली बेसिस पे मेरी इस महीने की सैलरी मेरी इनकम है, ठीक है। वेल्थ वो है जो मैंने पिछले सालों की इनकम खर्च नहीं की, पिछले सालों की वो इनकम जो खर्च नहीं की वो वेल्थ है, और जो मेरी करंट जो मैं अर्न कर रहा हूँ ये मेरी इनकम है। इसमें जो वर्ड यूज हुआ है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इसके बजाय फिलहाल वर्ड यूज कर लें इंडिविजुअल, ठीक है, कि इंडिविजुअल जो है जो अर्न करते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है ये हम आगे डिस्कस करेंगे एक चैप्टर में डिटेल में। जी नंबर 9 और नंबर 1, क्या ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट तो नहीं है? नंबर 1 और नंबर 9 आपने कहा अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी, नहीं नहीं अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी डिफरेंट कंसेप्ट है, ठीक है। अभी हमने सिर्फ उसको एक एंगल से देखना है, मैंने आपको इनका मिक्स नहीं करवाया, इनको इकट्ठा करके नहीं सिखाया। अभी मैं आपको सिखा रहा हूं कि डिमांड का फैक्टर्स का जितने भी फैक्टर्स हमने पढ़े हैं इनमें से हर फैक्टर का इंडिविजुअली डिमांड पे क्या इफेक्ट आ रहा है ये सिखा रहा हूं। अभी मैंने इनको एग्रीगेट नहीं किया, इकट्ठा नहीं किया कि दो फैक्टर्स को इकट्ठे मिला के मैं आपको बता दूं,
ऐसे नहीं, अभी फिलहाल सिर्फ, क्योंकि देखिए किसी भी सब्जेक्ट को जब हमने सीखना होता है ना स्टार्ट में, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अभी हम एक एक फैक्टर जो है उसको सामने रख के कंसेप्ट को स्टडी कर रहे हैं। इसी चैप्टर के एंड पे जब हम पहुंचेंगे ना, तब आप देखेंगे कि वो एक सिचुएशन में एक से ज़्यादा फैक्टर्स को इन्वॉल्व कर रहा है, लेकिन अभी आपने इसके बारे में नहीं सोचना। ये जो मैंने आपको फैक्टर्स बताए, ये समझ आ गए कैसे डिमांड को इफेक्ट कर रहे हैं? अभी तक का पर्पज यही था। अब सुन लें, एग्जाम में वो क्वेश्चन कैसे टेस्ट कर सकता है ये डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड का? एग्जाम में वो हमसे ये नहीं कहेगा कि 10 नंबर के साथ होने का डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड बताओ, ठीक है? वो हो सकता है कि आपसे कहे कि कोई से 3 डिटरमिनेंट्स एक्सप्लेन कर दो, 2 या 3, ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन। या क्या कर सकता है, डिटरमिनेंट दे देगा, कहेगा बताओ कि प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड डिमांड को कैसे इफेक्ट करते हैं। इसका मतलब है हमने एग्जाम में जो उसका बताया हुआ डिटरमिनेंट है उसको एक्सप्लेन करना है, बाकी के डिटरमिनेंट्स को एक्सप्लेन नहीं करना। या सम टाइम वो कह देता है डिटरमिनेंट भी बताता है, चेंज भी खुद बताता है, कहता है प्राइस ऑफ कंप्लीमेंट गुड इंक्रीज हो गई, इसका डिमांड पे बताओ क्या इफेक्ट होगा। अब इसका मतलब है पहली चीज, हमने कंप्लीमेंट गुड के अलावा बाकी फैक्टर्स छोड़ देने, उनमें से कोई भी नहीं बताना, इरेलीवेंट हो गए। और दूसरा, प्राइस ऑफ कंप्लीमेंट गुड में भी जो उसने पूछा है इंक्रीज पूछा है, तो हमने उसे इंक्रीज का ही इफेक्ट बताना, डिक्रीज का इफेक्ट नहीं। अगर तो हम खुद से एक्सप्लेन करें, अगर वो सिर्फ इतना कहे कि प्राइस ऑफ कंप्लीमेंट गुड का डिमांड पे क्या इफेक्ट है, तो मेरी मर्जी है, मैं चाहे प्राइस ऑफ कंप्लीमेंट गुड इंक्रीज करके बताऊं इफेक्ट, चाहे डिक्रीज करके बताऊं, चाहे मेरे पास टाइम है तो दोनों बता दूं कि प्राइस ऑफ कंप्लीमेंट गुड इंक्रीज होगी तो ये इफेक्ट होगा, डिक्रीज होगी तो ये इफेक्ट होगा। लेकिन जब वो खुद से स्पेसिफाई कर दे कि आपने मुझे सिर्फ प्राइस ऑफ कंप्लीमेंट गुड डिक्रीज हुई है इसका इफेक्ट बताना है, तो फिर हमने सिर्फ जो उसने पूछा है उसी का इफेक्ट बताना। ये समझ आई रिक्वायरमेंट? यानी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के लिहाज से चलना। जैसे जैसे वो हमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देता जाएगा, हमने उस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिहाज से ही आंसर करना। क्लियर? नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलें। जी, देखिए एक्सप्लेनेशन कितने देनी है ये डिपेंड करता है मार्क्स पे। नॉर्मली 1 नंबर के लिए 1 फैक्टर काफ़ी होता है, और इसलिए अगर आई कैप 4 नंबर के साथ पूछता है तो मैं कम से कम 4 फैक्टर्स तो लिखूंगा। अब इस फैक्टर को एक्सप्लेन करने में मेरे पास एक ऑप्शन होती है, इंक्रीज के साथ भी कर सकता हूँ, डिक्रीज के साथ भी कर सकता हूँ। आप किसी एक के साथ एक्सप्लेन कर दें काफ़ी है, दोनों के साथ एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं होता। जैसे अगर वो मेरे से पूछता है 1 नंबर के साथ इनकम ऑफ द कंज्यूमर को एक्सप्लेन करो, ठीक है, अगर वो 1 नंबर के साथ पूछता है तो मैं कहूंगा इफ इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेस डिमांड विल इंक्रीज, बस काफी है। यानी अगर उसने मुझे 4 नंबर के साथ पूछा 4 फैक्टर्स एक्सप्लेन करो, तो मैं चारों फैक्टर्स को लिखूंगा, हेडिंग लिख दूंगा और नीचे एक्सप्लेनेशन लिख दूंगा, इफ प्राइस ऑफ कंप्लीमेंट गुड इंक्रीजेस डिमांड फॉर मेन गुड विल डिक्रीज, बस इतना काफी है। एक पॉइंट ऑफ व्यू बता देना काफी है, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू बताना जरूरी नहीं है, ठीक है? हाँ, वो जब खुद से स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछेगा तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू पूछ सकते हैं, इसलिए कंसेप्ट हम दोनों का क्लियर कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन एग्जाम में हमने सिर्फ एक या इंक्रीज का लिखे या डिक्रीज का लिखे, अगर मार्क्स ज्यादा हैं फिर दोनों का लिख दो। वो 6 नंबर के साथ कहता है 3 डिटरमिनेंट एक्सप्लेन करो, तो फिर हम दोनों लिख देंगे। जी चलिए, नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। आज के लेक्चर में हम जो दूसरा कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या है? देखिए इसमें लफज लॉ से आपने कंफ्यूज नहीं होना कि हम कोई शायद कानून की किताब पढ़ने लगे, नहीं। लॉ सिर्फ उन्होंने अपनी जो थेरीज इकोनॉमिस्ट प्रेजेंट करते हैं थेरी, इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस शो करवाने के लिए वो लॉ का नाम दे देते हैं, वरना है ये थेरी ऑफ डिमांड। और ये है क्या? बहुत आसान, पढ़ चुके हैं आप। लॉ ऑफ डिमांड क्या है भला? लॉ ऑफ डिमांड है डिमांड का प्राइस के साथ रिलेशनशिप, इसको डिटेल में स्टडी करना। डिमांड का और प्राइस का रिलेशनशिप,
डिटेल में स्टडी करना, यह कहलाता है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या है? डिमांड का और प्राइस का रिलेशनशिप डिटेल में स्टडी करना। ब्रीफली रिलेशनशिप तो हम यहां पे डिस्कस कर चुके हैं, क्या? इफ प्राइस ऑफ ए गुड इंक्रीजेज इट्स क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेज, इफ प्राइस ऑफ ए गुड डिक्रीजेज इट्स क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेज, या ब्रीफ। अब इसको हमने डिटेल में स्टडी करना है तो ये कहलाता है लॉ ऑफ डिमांड। एग्जाम में उसने कहा जी लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन करना है, हमने कहा बिल्कुल ठीक अभी कर देते हैं। पहली चीज ध्यान में रखिएगा, इकोनॉमिस्ट जब कभी किसी भी थ्योरी को प्रेजेंट करते हैं, किसी भी लॉ को प्रेजेंट करते हैं, तो वो उसे एक नहीं दो नहीं तीन तरीकों से प्रेजेंट करते हैं। इकोनॉमिस्ट दुनिया में जब कभी किसी भी लॉ को प्रेजेंट करते हैं, कोई नई थ्योरी प्रेजेंट करनी है, लोगों को समझानी है, बतानी है, कितने तरीकों से करेंगे? तीन तरीकों से। एक तरीका है आम लोगों वाला, एक तरीका है उन लोगों वाला जिनका मैथ स्ट्रांग है, और एक है इकोनॉमिस्ट का फेवरेट अपना जिसमें उनके स्पेशलाइजेशन। तीन तरीके। आम लोगों का तरीका क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, स्टेटमेंट फॉर्म में उस कंसेप्ट को, उस थ्योरी को, उस लॉ को प्रेजेंट करना, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाता है। मैथमेटिक्स वाला कौन सा है फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन? टेबल या शेड्यूल, या इसे न्यूमेरिक एग्जाम्पल भी कहता है एग्जाम में, टेबल या शेड्यूल के जरिए से उसी लॉ को प्रेजेंट करना। देखिए मैसेज वही होगा जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है, टेबल फॉर्म में भी मैसेज वही होगा, डायग्राम या ग्राफ में भी मैसेज वही होगा, सिर्फ प्रेजेंटेशन का तरीकाकार फर्क है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में वो स्टेटमेंट फॉर्म में एक्सप्लेन करवाता है, टेबल फॉर्म में नंबर के जरिए से उसी कंसेप्ट को एक्सप्लेन करवाता है, और डायग्राम में वो ग्राफ बनवा के एक्सप्लेन करवाता है। ठीक, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि हमने लॉ ऑफ डिमांड जो है इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कैसे एक्सप्लेन करना है, लॉ ऑफ डिमांड को। तो लॉ ऑफ डिमांड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में देखे क्या कह रहा है, कह रहा है इफ प्राइस ऑफ ए गुड इंक्रीजेज इट्स क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेज, इफ प्राइस ऑफ ए गुड डिक्रीजेज इट्स क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेज। आगे लफज लिखा है सेटरस पारिबस, सेटरस पारिबस। पहली चीज तो ये नोट कीजिए कि यहां पे मैंने शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज की कि इफ प्राइस ऑफ ए गुड इंक्रीजेज इट्स क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेज एंड वाइस वर्सा, यहां पे वाइस वर्सा करके हमने बात आगे चले गए थे। यहां पे मैंने वाइस वर्सा की बजाय दूसरी स्टेटमेंट भी लिख दी। क्यों वाला लिखे? क्योंकि ये डिटेल पढ़ रहे हैं हम, इसमें हम अब डिटेल पढ़ रहे हैं। फिर इसके बाद ये सेटरस पारिबस क्या है? सेटरस पारिबस देखिए, जब हमने एनालिसिस कर, इकोनॉमिक्स के साथ एक बहुत बड़ी बदकिस्मती ये है कि दूसरे जो सब्जेक्ट ना, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, इसमें आपने एक्सपेरिमेंट करने हो ना कि अच्छा इस चीज को ज्यादा कर दे तो क्या होगा, इस चीज को कम कर दे तो क्या होगा, आपके पास लेबोरेटरी मौजूद है, आप उसमें जो भी आपने इंक्रीज डिक्रीज करके कॉम्बिनेशन बनाने हैं वो बना के देख सकते हैं, भाई धमाका होता है कि कोई चीज बनती है, वो सामने आ जाएगा, लेबोरेटरी मौजूद है। इकोनॉमिक्स में जब हमने चीजों का एनालिसिस करना होता है, हमारे पास कोई लेबोरेटरी मौजूद नहीं है, हमें रियल मार्केट का एनालिसिस करना होता है। जैसे फर्ज कीजिए, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि मुल्क में इंटरेस्ट रेट को अगर बढ़ा दिया जाए इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ता है, आपके पास कोई लेबोरेटरी ऐसी नहीं है जिसमें आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के देख सके क्या फर्क पड़ता है। आपको रियल वर्ल्ड में देखना पड़ता है कि वो कौन सा मुल्क है जिसने रिसेंटली पिछले साल 6 महीनों में इंटरेस्ट रेट अपना इंक्रीज किया है, और उसके बाद फिर उसकी इकोनॉमी पे क्या असरात पड़े, वहां से हमें पता चलता है, हमारे पास कोई लेबोरेटरी नहीं है। और जब हम रियल मार्केट में जाते हैं, वहां पे मसला ये होता है कि वहां पे सारे फैक्टर्स इकट्ठे काम कर रहे होते हैं,
जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो हो सकता है वो कहे सर इसके बाद हमारी एक्सपोर्ट बढ़ गई। हम कहे भाई इकोनॉमी में सिर्फ एक ही फैक्टर इंटरेस्ट रेट थोड़े था, और भी बहुत से फैक्टर्स काम कर रहे थे। अब पता नहीं इंटरेस्ट रेट की वजह से एक्सपोर्ट बढ़ी है कि किसी दूसरे फैक्टर की वजह से बढ़ी है, ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए थ्योरेटिकली हम किसी कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए फिर हमें अजम्पशन लेना पड़ती है। अजम्पशन का मतलब है फर्ज करना पड़ता है कि अगर हम किसी एक चीज के ऊपर 10 चीजें इफेक्ट कर रही हैं और हमने उसका एक का एनालिसिस करना है उस मेन चीज के साथ, तो हमें फर्ज करना पड़ता है कि बाकी की चीजें कॉन्स्टेंट हो गई, बाकी की चीजें सेम हैं, उनमें कोई चेंज नहीं है, उनको इररेलेवेंट कर दिया जाता है, ताकि हम उस मेन चीज का उस एक फैक्टर के साथ रिलेशनशिप देख ले क्या है। तो ये इसको हम कहते हैं इकोनॉमिक्स में अजम्पशंस, अज्यूम करना, फर्ज करना। याद रखें ये अजम्पशंस रियल लाइफ में ट्रू नहीं होती, लेकिन हम थ्योरेटिकली चूंकि कंसेप्ट को समझना है और हम 10 की 10 चीजों को इकट्ठा नहीं समझ सकते कि इसका क्या इफेक्ट होगा, हमें एक एक करके उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है। और जब हम किसी एक चीज का एनालिसिस कर रहे हैं दूसरी चीज के साथ, तो बाकी के फैक्टर्स को कांस्टेंट रखना। अब यहां पे लॉ ऑफ डिमांड क्या है? बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड है डिमांड और प्राइस का रिलेशनशिप बता रहा है। लेकिन मुझे बताइए कि क्या डिमांड को सिर्फ प्राइस इफेक्ट करती है कि अदर फैक्टर्स, अदर डिटर्मिनेंट भी इफेक्ट करते हैं? ठीक है, लेकिन जब मैंने थ्योरेटिक प्रैक्टिकली तो मार्केट में जाके सारे के सारे इकट्ठे ही यूज हो रहे होंगे, इकट्ठे अप्लाई हो रहे होंगे, सारी फोर्सेस इकट्ठे काम कर रही होंगी। लेकिन जब क्लासरूम में बैठ के हमने कंसेप्ट समझना है, तो मुझे इस वक्त लॉ ऑफ डिमांड को समझाते हुए सिर्फ प्राइस और डिमांड को कंसिडर करना चाहिए कि बाकी फैक्टर्स को भी करना चाहिए? मुझे सिर्फ प्राइस और डिमांड को, क्योंकि मैं रिलेशनशिप सिर्फ इनका डिस्कस कर रहा हूं। हाँ, अगर मैं कभी आगे चल के इनकम का डिमांड के साथ रिलेशनशिप स्टडी करूंगा, तो फिर मैं इन दो फैक्टर्स को लेके चलूंगा, बाकी को साइड में लगा दूंगा। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट होता है कि हमने जब दो चीजों का रिलेशनशिप बताना है, या स्पेसिफिकली लॉ ऑफ डिमांड में हमने प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप बताना है, तो हमें दूसरे फैक्टर्स को साइड पे करना पड़ता है। इसको कहते हैं सेटरस पारिबस। सेटरस पारिबस का मतलब होता है अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, अदर फैक्टर्स रिमेन कॉन्स्टेंट, अदर फैक्टर्स आर अनचेंज्ड। यानी हम ये दो फैक्टर्स का सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं, प्राइस और डिमांड, इन दो चीजों का आपस में रिलेशनशिप बना रहे हैं, बाकी चीजों को हमने क्या अज्यूम किया? वो कांस्टेंट है, उनमें कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं है। ये अजम्पशन क्या होती है, ये समझ आया आपको? अजम्पशन जो है हाइपोथेटिकली हम अज्यूम करते हैं कि जिन चीजों का हम एनालिसिस कर रहे हैं वो तो चेंज हो रही है, बाकी की चीजें चेंज नहीं हो रही। ठीक है, ये प्रैक्टिकली अजम्पशंस जो हैं जितनी भी होती हैं इकोनॉमिक्स में प्रैक्टिकली ट्रू नहीं होती, क्योंकि प्रैक्टिकली मार्केट में साइमल्टेनियसली हर चीज जो है काम कर रही है। एट द सेम टाइम एडवर्टीजमेंट भी हो रही है, एट द सेम टाइम पॉपुलेशन पे भी फर्क पड़ रहा है, एट द सेम टाइम प्राइसेस भी चेंज हो रही है, कंज्यूमर की इनकम भी चेंज हो रही होगी। लेकिन जब हमने कंसेप्ट समझा तो एक एक करके लेके चलना। अजम्पशन का मतलब समझ आ गया, सेटरस पारिबस का मतलब बाकी की चीजें अनचेंज। अच्छा मुझे बताइए, लॉ ऑफ डिमांड पढ़े, लॉ ऑफ डिमांड की अजम्पशंस क्या है वाला? अजम्पशन ये है कि प्राइस के अलावा जितने भी डिटर्मिनेंट्स हैं नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट, ये सारे के सारे कांस्टेंट रहे। ये सारे के सारे क्या रहे? अब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया 6 नंबर के साथ, अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड बताइए। अजम्पशंस ऑफ, मैंने लिखा अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड ये है कि ऑल नॉन प्राइस डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड शुड रिमेन कांस्टेंट। कंसेप्ट मेरा ठीक है, क्या एग्जामिनर मुझे मार्क्स देगा? नहीं देगा, मुझे एक एक करके इनको बताना होगा। अजम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड क्या है? पहली अजम्पशन, इनकम ऑफ कंज्यूमर शुड रिमेन
कॉन्स्टेंट कह ले, रिमेन सेम कह ले, अनचेंज कह ले, आपकी मर्जी है, सारे ठीक है। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट गुड रिमेन, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड कॉन्स्टेंट, इसके साथ कॉन्स्टेंट कर लें, इसके साथ रिमेन सेम कर लें, इसके साथ अनचेंज कर लें, थोड़ा थोड़ा वैरायटी उसको देते जाए, उसे पता हो यार हमने रट्टा नहीं लगाया, हमने कंसेप्ट समझा, ठीक है, चीज एक ही है। लेकिन याद रखे अजम्पशन में ये नहीं कहना प्राइस ऑफ द गुड रिमेन सेम, इसका तो एनालिसिस कर रहे हैं, इसका तो एनालिसिस कर रहे हैं। नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट जो है, नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट कौन से हैं, प्राइस का, ये मैंने बताया था कल की डिटर्मिनेंट है, प्राइमरी डिटर्मिनेंट है। इसके अलावा जितने भी डिटर्मिनेंट्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी डिटर्मिनेंट्स या नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट, नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट, ये सारे नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट्स। तो अगर हमसे कहे अजम्पशंस लिखो, हमने क्या लिखना है, नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट, कि ये चेंज नहीं होने चाहिए, यहां तक क्लियर है, आगे चलें। तो ये देखें, पहला जब एक इकोनॉमिस्ट किसी भी लॉ को प्रेजेंट करते हैं कितने तरीकों से करते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, टेबल शेड्यूल या न्यूमेरिक एग्जांपल फॉर्म में, डायग्राम या ग्राफ की शक्ल। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्लियर हो गया, प्राइस ऑफ ए गुड इंक्रीजेस, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज, प्राइस ऑफ ए गुड डिक्रीजेस, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज, आगे चलें। अब ये नोट कीजिएगा, मैसेज यही होगा, प्रेजेंटेशन मेरी चेंज होने लगे। अब हम आते हैं टेबल या शेड्यूल की तरफ। अच्छा, आप जहन में रखिएगा, टेबल या शेड्यूल पूरी इकोनॉमी इकोनॉमिक्स में जितने भी टेबल या शेड्यूल हम बनाते हैं सारे फर्जी हैं, हाइपोथेटिकल है, खुद से फिगर एज्यूम की होती हैं, खुद से फिगर एज्यूम की। तो जब खुद से फिगर एज्यूम करनी है तो बताइए हमें इजी फिगर एज्यूम करनी चाहिए कि कंप्लेक्स फिगर, ऐसी जो याद करना और याद रखना आसान हो। तो याद रखिए हम यहाँ पे जो फिगर यूज करेंगे वो इजी फिगर कंप्लेक्स नहीं होंगी, कुछ बुक्स में कंप्लेक्स फिगर भी यूज होती हैं, वो भी ठीक है, गलत नहीं है, वो भी ठीक है। लेकिन जब हमारे पास दोनों ऑप्शन है इजी और डिफिकल्ट, तो हम अपनी जिंदगी क्यों मुश्किल करें, जिंदगी आसान करते हैं। तो हमारी फिगर जो है वो होंगी सिंपल, हमारी फिगर स्मॉल होंगी, कंसेप्ट स्मॉल नहीं होगा, कंसेप्ट लार्ज होगा। तो देखें मैंने बताना है, अब कहता है फर्ज कीजिए एक गुड की प्राइस है, फर्ज कीजिए गुड की प्राइस है 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1। ये टेबल हमें बता क्या रहा है, ये कह रहा है इस गुड की प्राइस जब 1 है तो इसकी डिमांड है 5 लोग इसको खरीदने को तैयार है, जबकि इसकी प्राइस 2 हो गई, अब 4 पर्सन खरीदने को तैयार है। प्राइस 3 हो गई, प्राइस 4 हो गई तो 2, और प्राइस 5 हो गई तो डिमांड कितनी है 1। टेबल याद हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1। कौन सा टेबल याद हुआ हमें, लॉ ऑफ डिमांड। अब मैसेज देखें, क्या इसका मैसेज वही है जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में था, नोट कीजिएगा, इफ प्राइस ऑफ ए गुड इंक्रीजेस इट्स क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस, इफ प्राइस ऑफ ए गुड डिक्रीजेस इट्स क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग सेम। देखें मैंने प्राइस और डिमांड के अलावा कोई और फैक्टर लेके आया यहां पर, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग सेम, वही मैसेज इधर है, वही मैसेज इधर है, लेकिन बस इकोनॉमिस्ट की प्रैक्टिस है, उन्होंने जो ला देना है उन्होंने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी देना है, टेबल फॉर्म में भी देना है और डायग्राम में भी देना है। वही मैसेज, प्राइस ऑफ ए गुड इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेस, प्राइस ऑफ ए गुड डिक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड, क्लियर, लॉ ऑफ डिमांड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्लियर हो गया, टेबल शेड्यूल फॉर्म में या न्यूमेरिक एग्जांपल भी से कहते हैं, क्लियर हो गया। Yes, अब डायग्राम या ग्राफ, क्लास में कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी डायग्राम या ग्राफ नहीं बनाया हुआ, चलिए एक स्टूडेंट है, बाकी सबने बनाया हुआ है, आपने कहाँ बनाया, किस किस फेज पे बनाया हुआ है, ये सीए में या उससे पहले,
सीएसए पे, चले कोई बात, मैं एज्यूम एक स्टूडेंट, हाँ चले ठीक है, एएफसी में भी होता चले, लेकिन हमारी क्लास में एक स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इससे पहले डायग्राम या ग्राफ नहीं बनाया, तो मैं एज्यूम करता हूँ किसी ने भी नहीं बनाया होगा पहले, सिखाना तो पड़ेगा ना, उनका कोई कसूर नहीं है। देखें जब कभी हम डायग्राम बनाते हैं ये शेप कहलाती है, ये इस तरह के, ये एल शेप हम इसको ड्रॉ करते हैं, इसमें ये जो हॉरिजेंटल लाइन है इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, ये जो वर्टिकल लाइन है इसको कहते हैं वाई एक्सिस, कोई ना कोई चीज मेजर करते हैं हम एक्स एक्सिस पे, कोई ना कोई चीज मेजर करते हैं वाई एक्सिस पे। ये हम जो डायग्राम बना रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड की है, इसका मतलब है इसमें जो दो चीजें मेजर करनी है, एक है प्राइस, एक है क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। अब ये हमारी मर्जी नहीं होती कि हमने एक्स एक्सिस पे प्राइस लिखना है या क्वांटिटी डिमांडेड लिखनी है, ये जो बंदा लॉ प्रेजेंट कर रहा है ना उसकी मर्जी होती है, ठीक है। इसीलिए जिस बंदे ने लॉ ऑफ डिमांड प्रेजेंट किया उसने वाई एक्सिस पे लिखा प्राइस और एक्स एक्सिस पे लिखा क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड। हमने कहा भाई ठहर जाओ, ये तुम्हें पता नहीं है कि प्राइस, मैथ नहीं पढ़ा तुमने, प्राइस तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, वो तो एक्स एक्सिस पे आना चाहिए, क्वांटिटी डिमांडेड डिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई एक्सिस पे आना चाहिए। तो वो बंदा हमें कहने लगा भाई लॉ ऑफ डिमांड कौन प्रेजेंट कर रहा है, हमने कहा आप, तो उसने कहा मर्जी किसकी चलेगी, उसने कहा फिर आपकी। तो याद रखिए इकोनॉमिक्स में हमने मैथ वाले कंसेप्ट सारे के सारे अप्लाई हो एज इट इज जरूरी नहीं है, इकोनॉमिक्स में जो प्रैक्टिस होती है हम उसको फॉलो करते हैं, और प्रैक्टिस ये है कि प्राइस आएगी वाई एक्सिस पे, क्वांटिटी डिमांड किधर आएगी, तकरीबन आगे भी जितनी डायग्राम्स हम बनाएंगे उनमें भी यही रूल है। ये क्लियर हो गया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब आगे चलते हैं, हमने एक्स एक्सिस पे कुछ पॉइंट बनाने हैं और कुछ पॉइंट वाई एक्सिस पे बनाने हैं, टेबल देख के बता, ये ग्राफ बनता है टेबल की बेस पे, ग्राफ के पीछे काम कर रहा होता है टेबल, टेबल देख के मुझे बताइए एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड मेजर कर रहे हैं, कितने पॉइंट्स है क्वांटिटी डिमांडेड के, फाइव, तो यहां पे आपने फाइव पॉइंट्स लगा देने हैं, कोशिश करें कि इक्वल डिस्टेंस पे हो, लेकिन लाजमी नहीं है, थोड़ा बहुत जो है वो फर्क आ सकता है, लेकिन कोशिश करनी है इक्वल डिस्टेंस, जैसे मैंने कोशिश की इक्वल डिस्टेंस पे कुछ पॉइंट कर दो। इसी तरह वाई एक्सिस पे कितने पॉइंट्स चाहिए, पांच पॉइंट है, तो मुझे पांच पॉइंट, मैंने ये जितना को ड्रॉ किया है ना मैंने इसी में पांच पॉइंट पूरे करने हैं, और कोशिश करूंगा कि डिस्टेंस इनका आपस का डिस्टेंस इक्वल रहे, इनका आपस का डिस्टेंस, इनका और इनका आपस का डिस्टेंस इक्वल होना जरूरी नहीं है, वो जरूरी नहीं है, लेकिन इनका आपस का डिस्टेंस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का इक्वल, एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, लेकिन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों का आपस में डिस्टेंस इक्वल होना जरूरी है। तो मैंने तकरीबन इक्वल डिस्टेंस रख के, अगर आपके पास फोटो है आप भी बड़ी आसानी के साथ इक्वल डिस्टेंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यहां पे लिख दिया जीरो, ये ओरिजिन होता है, यहां पे लिखा एक, यहां पे लिखा दो तीन चार पांच, वन टू थ्री फोर फाइव, इसी तरह यहां पे अंदाजे से एक दो तीन चार पांच, वन टू थ्री फोर, पांच ड्रा कर लिए। अब क्या करना, डायग्राम ड्रा करना है। चलिए पहला पॉइंट ये ड्रा करें, फिर दूसरा ये, फिर तीसरा। पहला पॉइंट क्या कहता है, जब प्राइस वन है तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है, फाइव। ये देखिएगा पॉइंट मैं कैसे आइडेंटिफाई कर रहा हूं, जब प्राइस वन है क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है, फाइव। ये मेरा पॉइंट आ गया पहला, ठीक। अच्छा आप देख रहे होंगे कि थोड़ा सा लाइन ऊपर नीचे हो गई है,
ठीक है, नहीं नहीं कोई फोटो की जरूरत नहीं, मैं वही एक्सप्लेन करने लगा हूं आपको। ये 19-20 हो जाए इसमें कोई हर्ज नहीं है। क्या एग्जाम में जब हम डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास फुटा प्रकार होनी चाहिए, उसी से ड्रॉ करने हैं, या फ्री हैंड से डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं? आई कैप कहता है फ्री हैंड से डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, शर्त यह है कि टेक्निकली ठीक हो। अब टेक्निकली ठीक होने का मतलब क्या है, मैं थोड़ी देर में बताता हूँ आपको। फ्री हैंड से आई कैप ने ज्यादा कहा, कहता है 19-20 हो जाए कोई मसला नहीं। दूसरा पॉइंट क्या है, प्राइस टू है तो 4, प्राइस टू है, क्वांटिटी डिमांडेड कितने हैं? ये मेरा पॉइंट आ गया। तीसरा पॉइंट कैसे, प्राइस 3 है तो क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस 3 है, क्वांटिटी डिमांडेड 3 है, दोनों यहां मिल रहे हैं, ये मेरा पॉइंट आ गया। समझ आ रही है भाई, समझ आ रही है आपको कैसे ड्रा? प्राइस 4 है, क्वांटिटी डिमांडेड कितने, प्राइस 5 है, क्वांटिटी डिमांडेड कितने, ये पॉइंट, ये मेरे 5 पॉइंट आ गए। क्लियर हो गए पॉइंट कैसे ड्रा किए मैंने? अब क्या करना वाला, नुक्ते मिलाइए। ये पॉइंट्स हमने ड्रा किए हैं, जब आप इनको मिलाएंगे ये लाइन आएगी। अच्छा अब देखे, नहीं थोड़ा सा 19-20 है, ये 19-20 किस वजह से है, क्योंकि मैंने फ्री हैंड से ड्रॉ किया। याद रखे फ्री हैंड से जब भी डायग्राम ड्रॉ करेंगे लाजमी, अभी एग्जैक्ट नहीं आती, 19-20 का फर्क आता। आई कैप कहता है एक्सेप्टेबल है, कोई मसला नहीं है, घबराना नहीं, परेशान नहीं होना कि इसके नंबर कट जाएंगे, ये इस लाइन से नहीं गुजरा, नहीं ठीक है। वो एग्जैक्ट बनाने बैठेंगे, वो छोटी सी डायग्राम याद आता घंटा गुजर जाएगा। आई कैप कहता है मैं कंसेप्ट के ऊपर फोकस करता हूँ, ये इस तरह की फॉर्मेलिटीज में नहीं। ये कर्व जो असल चीज ये थी, ये डॉट्स जो है ये असल चीज नहीं है, डॉट्स तो पॉइंट तक पहुंचने के लिए ड्रॉ किया था। अब इस कर्व का नाम भी है, इस कर्व का नाम है डिमांड कर्व। कौन सा कर्व? डिमांड कर्व। इसके साथ चाहे तो एंड में पूरा लिख दे डिमांड कर्व, चाहे तो सिर्फ डी लिख दे, लेकिन कुछ ना कुछ लिखना जरूर है एंड में। भाई ये समझ आ गया? अब देखिए कंसेप्ट क्या, देखें इफ, देखें वही मैसेज, इफ प्राइस ऑफ ए गुड इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड, ये देखिए यहां से जब हम नीचे को आ रहे हैं प्राइस क्या हो रही है, कम हो रही है, और क्वांटिटी डिमांडेड, ये देखिएगा जरा, इफ प्राइस ऑफ ए गुड डिक्रीजेस इट्स क्वांटिटी डिमांडेड, एंड इफ प्राइस ऑफ ए गुड इंक्रीजेस इट्स क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस। नहीं अभी नहीं भैया, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है, ये तो पहली, ये समझ आ गई आपको डिमांड डायग्राम। अच्छा मुझे ये बताइए, इस डिमांड कर्व की जो डायग्राम है इसका स्लोप क्या है, डाउनवर्ड के अपवर्ड, पॉजिटिव के नेगेटिव, ये डिपेंड करता है आप कहां पे खड़े हैं। अगर तो मैं यहां पे खड़ा हूं तो डिमांड कर्व का स्लोप है अपवर्ड, और अगर मैं यहां पे खड़ा हूं डिमांड कर्व का स्लोप है डाउनवर्ड। बताइए कहां पे खड़े होके देखना है हमने? याद रखे इकोनॉमिक्स में हमेशा ओरिजिन पे खड़े होके देखते हैं, ओरिजिन पे खड़े होके हमने किसी भी कर्व का स्लोप डाउनवर्ड है या अपवर्ड है, ओरिजिन पे खड़े होके हमने देखना है। तो ओरिजिन पे खड़े होके देखा तो ये डिमांड कर्व का स्लोप क्या हुआ, डाउनवर्ड हुआ। यहां तक क्लियर है? आज हमने क्या सीखा, आज हमने अभी तक के लेक्चर में क्विक सी रिवीजन कर लेते हैं, लेक्चर यहां पे खत्म हो गया, लेकिन मैं क्विक सी रिवीजन जो है करना चाहता हूं। आज हमने दो कॉन्सेप्ट सीखे, एक डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड के, डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, उसमें हमने कल 5 पढ़ लिए थे और आज हमने बाकी के 4 भी कवर कर लिए, क्विक रिवीजन कर लिए सबकी। फिर हमने देखा एग्जाम में क्वेश्चन कैसे टच कर सकता है, फिर इसके बाद हमने बाकी के डिटरमिनेंट छोड़ दिए, डिमांड का जो मेन डिटरमिनेंट था प्राइस,
इसके साथ रिलेशनशिप देखा क्या डिटेल में, तो डिमांड और प्राइस का जो डिटेल में रिलेशनशिप है ये क्या कहलाता है, लॉ ऑफ डिमांड। इकोनॉमिस्ट जब किसी भी लॉ किसी भी थ्योरी को प्रेजेंट करते हैं कितने तरीकों से प्रेजेंट करते हैं, तीन तरीकों से, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, टेबल शेड्यूल या न्यूमेरिक एग्जांपल फॉर्म में, और डायग्राम या ग्राफ फॉर्म में। हमने तीनों तरीकों से इस लॉ को प्रेजेंट कर दिया, समझ आ गया आपको, चलिए। लेकिन याद रखिए एक चीज अभी रहती है, ये जो डायग्राम या ग्राफ होता है इसको एक्सप्लेन भी करना होता है। अब मुझे बताइए, आपको हर डायग्राम बनाने के बाद बताया करूं कि इसको ऐसे एक्सप्लेन करो, इसको ऐसे एक्सप्लेन करो, इसको ऐसे एक्सप्लेन करो, कि एक ऐसा रूल बता दिया जाए कि जिससे आप सारी डायग्राम पता चल जाए कि सारी डायग्राम कैसे एक्सप्लेन करने है? रूल बता दिया जाए। हाँ, इसके लिए फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद, तो इंशाल्लाह कल जो है कल के लेक्चर में हम स्टार्ट इसी चीज़ से करेंगे कि डायग्राम्स या ग्राफ को एक्सप्लेन कैसे करना है, रूल क्या है इसका। ठीक है, चलिए लेक्चर ख़त्म आज का।